कैसे देवता प्रवेश करता है बाकी के साथ प्रवेश कर चुका, ये देख सकते हो। देखो माता राम को भी झुंझे देखो डर रहे हैं और लड़कियां देखो कितने सारे लोग अभी देख रहे हैं, शायद लोग भूलने वाले आई थिंक लग रहा है। लाइव दिखा रहे हैं, बाकी आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा आकाश झूला आया है और ब्रेक डांस आया है छोटा वाला, और ये देखो छोटे बच्चों के लिए। ये भी भैया ये कितने का बड़ा बंडल? लगभग 700 होगा। भैया ये कौन से गांव के देव देवता है? फुटपदर। ये सभी ना देखो यहाँ पर फैंसी स्टोर है, बहुत ज्यादा खरीदारी चल रही है, भीड़ भी वैसे ही लगा हुआ है। ये देखो पूरा फैंसी स्टोर मतलब ये। तो गाइस इस मेले में बहुत ही ज्यादा लेडीज कलेक्शन आया हुआ है, ऐसे मुझे लेना चाहिए बचपन में, बाद में इतना काम होता है कि मुझे लेना ही नहीं होता है। क्या आप अपने गांव या घर से बाहर रहते हो और आप किसी कारणवश आपके गांव या आसपास का वार्षिक मेला एंजॉय कर नहीं पाते? कोई बात नहीं, आपका भाई है ना दिखाएगा। तो आज वैसे ही हम लोग आए हुए हैं पीपरा बही गांव में, तो आज हम आप लोगों को दिखाएंगे पीपरा का वार्षिक मेला। और वार्षिक मेला पीपरा में दो बार लगता है, तो ये आई थिंक फर्स्ट बार है। तो अभी जाके दिखाएंगे आप लोगों को कि वार्षिक मेला किस तरह से लगता है पीपरा में। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अभी इस गाँव से देवी देवताओं को ले जा रहे हैं मेला साइड, और ये देखो छोटे बच्चे पकड़ चुके हैं आंगा देव को, ये देखो भाई। तो इन लोग भी अभी मेला आएंगे, कई लोग अभी मेला साइड जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हो पैदल भी जा रहे हैं, लग रहा है यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। फाइनली हम लोग पीपरा पहुंच चुके हैं, ये देखो दादा लोग भी ले जा रहे हैं देवलाट को। सामने लगा हुआ है मेला, वैसे भीड़ यहाँ से दिख नहीं रहा है, और ये देखो मेला पहुंचे हुए हैं, वेट कर रहे हैं भीड़ कितना समय होगा ऐसे करके। रोड के लेफ्ट साइड में लगा हुआ है, और ये कुछ इस तरह से लगा हुआ है यहाँ पर रोड के किनारे किनारे, आप लोग देख सकते हो साग सब्जी लगाए हुए हैं इस साइड। तो अंदर में खिलौना वगैरह सब लगाए हुए हैं दुकान, ये देखो इस साइड। तो भाई साहब इस बार सर्कस भी आया हुआ है, इस साइड भी साग सब्जी वाले हैं। तो ये रोड के अंदर में लगा हुआ है पूरा मेला, ये देखो अंदर लेके जाएंगे आप लोगों को, कैसा कुछ दुकान आया हुआ है, कौन कौन दुकान आया है ये सबको दिखाएंगे। देखते हैं गाइस, इस साइड प्लास्टिक कलेक्शन है, इस साइड वॉच कलेक्शन है, और ये देखो खरीदारी चल रही है बीच बीच में। इस साइड वॉच के बैग कलेक्शन लगा हुआ है, इस साइड फैंसी स्टोर है, इधर भी फैंसी स्टोर है, खरीदारी चल रही है। सामने है चप्पल शूज कलेक्शन, इस साइड भी फैंसी स्टोर है, सामने खिलौना कलेक्शन है, सनग्लासेस कैप कलेक्शन है। तो गाइस ये सामने रहा सर्कस, तो इस बार सर्कस भी आया हुआ है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर एक छोटा सा आकाश झूला आया है और ब्रेक डांस आया है छोटा वाला, और ये देखो छोटे बच्चों के लिए ये भी आ चुका है। तो इस साइड देख सो प्लास्टिक कलेक्शन है, सामने कवर कलेक्शन है, अंदर में भी दुकान काफी सारा आया हुआ है, उसको भी दिखाएंगे। तो अभी चलते हैं आगे, सकते हैं इस साइड कपड़ा कलेक्शन है, सामने चार्ट सेंटर है, इधर खिलौना वाले हैं, इस साइड भी खिलौना वाले दोनों साइड हैं, और ये देखो इस साइड लेडीज बैग कलेक्शन है, सामने भी खिलौना कलेक्शन लगा हुआ है। सामने रहा गाइस होटल, और होटल में भी से मिठाई की खरीदारी चल रही है। इधर देख सकते हैं जूता वाले हैं, और इस साइड फैंसी स्टोर है, और इस साइड आप लोग देख सकते हो खिलौना वाले, और सामने और एक गली है, और सामने भी खिलौना कलेक्शन लगा हुआ है, प्लास्टिक कलेक्शन भी। सामने जूता वाले चप्पल वाले सब है, ये देख सकते हो दोनों ही साइड लगा हुआ है, ये यहीं तक है, और सामने एक फैंसी स्टोर वाले जो गाड़ी में लगाया हुआ है। ये वाला गली आप लेके चलेंगे आप लोगों को, थोड़ा सा भीड़ है, और इधर भी है, तो उस साइड बाद में दिखाएंगे आप लोगों को। तो इस साइड प्लास्टिक कलेक्शन है, इधर मिठाई वाले हैं, और सामने देख सकते खिलौना कलेक्शन, इधर बजे वगैरह सब मिल रहा है भाई। सामने पान टेला वाले, और इस साइड है ज्योति जनरल मिठाई भंडार है, सामने एक फैंसी स्टोर है, इधर भी फैंसी स्टोर है, सामने बजे समोसे सब मिल रहा है, इधर भी खिलौना कलेक्शन लगा हुआ है, सामने भी बजे वाले हैं, और इस साइड भी मिठाई वाले, इधर भी मिठाई वाले, सामने देख सकते खिलौना कलेक्शन है, इधर भी खिलौना कलेक्शन है, सामने दोनों के बीचों में कवर कलेक्शन है, बेल्ट सनग्लासेस कलेक्शन है, इधर प्लास्टिक कलेक्शन लगा हुआ है, ये देखो उतना बड़ा कवर कलेक्शन लगा हुआ है यहाँ पर। सामने देख सकते हो कपड़ा कलेक्शन है, 100-200 कलेक्शन लगा हुआ है,
सामने फिर एक खिलौना कलेक्शन लगा हुआ है, इधर प्लास्टिक कलेक्शन, स्टील बर्तन कलेक्शन लगा हुआ है, सामने भी खिलौना कलेक्शन है, सामने एक चप्पल है तो यहीं से दिख रहा होगा आप लोगों को, और इधर काफी भीड़ लगा हुआ है पता नहीं क्यों। अब हम आप लोगों को बाद में दिखाएंगे जब देव देवता यहाँ पर आएंगे तब, तो अभी तो मेला अच्छा से लगा हुई नहीं है और भीड़ भी उतना ज्यादा नहीं है। तो गाइस मैं अब आ चुका हूँ पीपरा का देवगुड़ी साइड पर, सारे देव देवता आ रहे हैं अभी, उसके बाद मेला में जाएंगे तो आप लोगों को दिखाते हैं यहाँ का देवगुड़ी। बहुत सारा बाइक में इस साइड आए हुए हैं गाइस, फाइनल मैं पहुंच चुका हूँ देवगुड़ी साइड, फूलों की खरीदारियाँ चल रही है तो चलो इस साइड जाके देखते हैं सामने साइड। ये देखो सामने साइड भी फूलों की खरीदारियाँ चल रही है, देख सकते हो भैया ये कितने का बड़ा बंडल, लगभग 700 होगा, 700 रुपए का, तो 700 रुपए का इतना बड़ा बंडल। और ये छोटे बंडल कैसा कैसा का है, ये 50-50 है, ये 100-100 है, ये 200 है, ये 200। देख सकते हो गाइस तो यहाँ पटेल गायता माची ये सबको बेच बेच लगा रहे हैं। चलो गाइस आप लोगों को मंदिर के अंदर फिर लेके चलते कुछ इस तरह से। पूछने वाले हैं यहाँ पर जो देवदूता को रखे हैं, देख सकते हो साइड किनारे किनारे में, तो कौन कौन से गांव से लाए हैं, बहुत सारे जगहों पे रखे हैं तो जा जाके पूछते हैं पहले। तो गाइस अब इस साइड से हम लोग पूछते जाएंगे पूरा सामने तक जहाँ जहाँ पर देवदूता को रखे हैं, तो इनको पूछते हैं कहाँ से देवदूता को लाए हुए हैं। तो छोटू ये देवदूता को कहाँ से लाए हैं, कौन सा गांव से, और की वही से ना, ये देख सकते हो ये और की वही से देव देवताओं को लाए हुए हैं। और ये और है ये वाला देवलाट को शामिल है ना, इधर भी है देव देवता। चलो इस साइड पूछते हैं कहाँ का देव देवता है, अमोड़ा कुटपदर डोंगईपारा, बहुत सारे आंगा देवता है, देवलाट है, तो इस साइड पूछते हैं कहाँ से जो ना देव देवता को लाए हैं, कौन से गाँव से, इस साइड पूछ के देखते हैं। भैया ये कौन से गाँव के देव देवता है, फुटपदर, ये सभी ना, तो देख सकते हो ये जितने भी आंगा देव हैं और देवलाट है वो सब जो है कुटपदर से हैं। ये देखो इस मेले में बहुत सारे गांव के देव देवता को लाते हैं। अब यहां पर फूल ये सब पहनाएंगे, उसके बाद आप लोगों को दिखाने वाले हैं। अंदर आता है वो आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं, शरीर में प्रवेश कर चुका है। कैसे देवता प्रवेश करता है, बाकी के साथ प्रवेश कर चुका है, ये देख सकते हो। गाइस अभी आप लोगों को मैं दिखाने वाला हूँ, ये देख सकते हो गाइस ये जो ट्रैक्टर देख रहे हैं इस साइड खड़े, और देख सकते हो 5-6 ट्रैक्टर है, ये सारे में जो ना लोग आए हैं मेला देखने के लिए। वैसे तो बहुत कम लोग ट्रैक्टर में आते हैं मेला देखने के लिए, और इस साइड देख सकते हो बाइक वगैरह सब पार्क किए हुए हैं। मेला होता है उसके बाद में जो ना मावली का मेला होता है, ये देख सकते हो। Thank you.
अब दीदी से जो ना दो बार घूम के अब एक बार वापस जा रहे हैं। अभी दीदी तक घूम रहे हैं मेला और हम आप लोगों को अब दिखाने वाले हैं मेला के अंदर कैसा कुछ भीड़ लगा हुआ है। ऐसा कुछ इस साइड भीड़ लगा हुआ है और इसी रोड साइड से दीदी से जो ना मेला घूम रहे हैं, देख सकते हो सामने है। तो चलो इस वाले गली से लेके चलते हैं आप लोगों को मेला के अंदर साइड, देखते हैं कैसा कुछ दुकान ये सब लगाए हुए हैं। तो देख सकते हो इस साइड भी भीड़ लगा हुआ है, इधर खिलौना कलेक्शन है और इस साइड कार कलेक्शन लगाए हुए हैं, इधर टिकली वगैरह सब मिल रहा है, यहाँ पर थोड़ा सा भीड़ है। इधर देख सकते हो होटल है, भजन वगैरह सब खरीद सकते हैं। ये देख सकते हो यहाँ पर चाट भंडार है जो कि देख सकते हो भैया जी बेच रहे हैं और बना बना के मस्त खिला रहे हैं लोगों को। और सामने देख सकते हो इस साइड है खिलौना कलेक्शन, ट्रक कार ये सब मिल रहे हैं, बड़ा बड़ा ट्रक, ये देख सकते हो डंपर जिसे बोलते हैं आई डोंट नो। और ये देखो इस साइड है चप्पल कलेक्शन, शूज कलेक्शन ये सब यहाँ पर है और खरीदारियाँ चल रही है, दोनों ही साइड है वैसे ही कलेक्शन। और सामने है निषाद मिठान भंडार, ये देख सकते हो सामने है मिठाई की दुकान और इस साइड भी मिठाई की दुकान है, इस साइड बाद में जाके दिखाएंगे। और ये देखो ये वाला गली में भी है, दोनों साइड देख सकते हो, एक साइड है खिलौना कलेक्शन टेडी बियर कलेक्शन और इस साइड है आपका चप्पल कलेक्शन है, जूता ये सब मिल रहा है। और ये देखो इस साइड बैग वगैरह सब, इस साइड देखो छोटे बच्चों के जो बैग वगैरह सब मिल रहा है और इस साइड है चप्पल जूता ये सब कलेक्शन। सामने भाई साहब टेडी बियर कलेक्शन और आज वैसे टेडी डे आई डोंट नो, मुझे वैसे ही लग रहा है ना। ये देखो मस्त मस्त टेडी बियर कलेक्शन यहाँ पर लगाए हुए हैं भैया जी। दूसरी गली को लेके चलते हैं कैसा कुछ उस साइड लगा हुआ है, सामने वाला सर्कस साइड तो बाद में दिखाएंगे। तो ये वाला गली में लेके चलते हैं, ये वाला गली खाली है और सामने मिठाई वाली दुकान है। और ये देखो यहाँ पर बीच में गाड़ी वगैरह सब पार्क किए हुए हैं मिठाई वाले हैं, इधर कपड़ा कलेक्शन लगाया हुआ है, सामने भी कपड़ा कलेक्शन है, तो इस साइड मार्केट जैसा लगता है वैसे ही लगा हुआ है। और सामने कपड़ा कलेक्शन, इस साइड पेंसी स्टोर है, इधर गर्ल्स लोग खरीद रहे हैं बहुत ज़्यादा, ये देखो। और इधर भी कपड़ा कलेक्शन है, सामने देख सकते हो बरगद का पेड़। तो गाइस अब ये वाला गली में लेके चलते हैं आप लोगों को, इस साइड लगा है कपड़ा कलेक्शन, इस साइड है जूता शूज ये सब मिल रहा है, चप्पल वगैरह सब मिल रहा है, सामने कपड़ा कलेक्शन एक और है, दे देता इसी साइड से आएंगे। और ये देखो सामने साइड जूता चप्पल ये सब मिल रहा है भाई, और उसके सामने भी है। चलो अब लेके चलते हैं आप लोगों को सर्कस एरिया साइड, और वैसे तो ये वाला गली भी दिखाना बाकी है बट आप लोगों को सर्कस एरिया साइड लेके चलते हैं। और देखो यहाँ पर पेंसिल स्टोर है, बहुत ज़्यादा खरीदारी चल रही है, ये देखो क्या खरीद रहे हैं आई डोंट नो, बट इस साइड चन्ना बुट्टा वाले हैं, सामने मिठाई कलेक्शन है प्लस होटल ये सब है। और ये यहीं तक है, सामने और एक रोल सेंटर है, देख सकते हो इस साइड है भाई साहब खिलौना कलेक्शन टेडी बियर कलेक्शन, आप लोग चेकआउट कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा लंबा लाइन पूरा लगाया हुआ है। तो अब इस साइड भीड़ लगा हुआ है भाई थोड़ा सा, और बाकी मार्केट एरिया साइड जैसा लगता है वैसे ही है, और मेला लगा है उस साइड काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। ये खिलौना कलेक्शन है, इधर भी खरीदारियाँ चल रही है, देख सकते हैं इधर जी भीड़ लगा हुआ है, अभी सर्कस एरिया साइड आप लोग चेकआउट कर सकते हो। सामने आकाश झूला छोटा सा और ब्रेक डांस में भी अभी कुछ लोग बैठे हुए हैं और छोटे बच्चों भी इंजॉय कर रहे हैं। और ये देखो बहुत लंबा लाइन लगा हुआ है वैसे आकाश झूला झूलने वालों का, आप लोग ये चेकआउट कर सकते हो। चलो टिकट काउंटर में लेके चलते हैं आप लोग को, कैसा कुछ रेट है भाई इस मेले में छोटा सा आकाश झूला में। तो भाई साहब कहूँगा झूल हो देखो माता को भी झूलबे देखो डर रहे हैं और लड़कियां देखो कितने सारे लोग अभी देख रहे हैं, शायद इन लोग झूलने वाले हैं आई थिंक लग रहा है। ओ भाई कितना टिकट भाई 40 रुपया
तो 40 रुपये टिकट काउंटर है, काउंटर नहीं 40 रुपये टिकट है इस वाले आकाश झूले का। तो ऐसा कुछ है, तो माता राम लोग बहुत कम झूलते हैं, ना के बराबर झूलते हैं भाई, लड़की लड़के ही झूलते हैं बहुत ज़्यादा। और ये गाइस ब्रेक डाउन छोटा सा आया हुआ है, तो यहाँ पर देखते हैं कैसा कुछ टिकट प्राइजेस है। तो भाई से पूछते हैं कितना भाई टिकट, 50। ये देखो 50 रुपये इस ब्रेक डांस का, और ये देखो ये हाई बोल रहे हैं। तो भाई साहब इस साइड वाकई में भीड़ लगा हुआ है इस मेले में, और जो मार्केट एरिया साइड है उस साइड तो थोड़ा सा टाउन है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं अभी आकाश झूला साइड। तो गाइस आप लोग चेकआउट कर सकते हो, सर्कस एरिया साइड भीड़ है, लेकिन अभी इसी साइड से देख देख आएंगे ना तो पूरा भीड़ खाली हो जाएगा। ये देखो ये वाला गली बाद में दिखाऊंगा बोला था, चलो ये वाला गली लेके चलते हैं, उसके बाद फिर ये वाला गली लेके। इनको वाकई में भीड़ है भाई, छोटा मेला है लेकिन मस्त भीड़ लगा हुआ है यहाँ पर। सब नीचे से हम लोग आ चुके हैं इस साइड, तो इधर भी कलेक्शन लगा हुआ है, जैसे कि इस साइड तुम्हें पूरा दिखाया था भाई, और इधर भर भर के खरीदारियाँ चल रही है भाई, भीड़ भी वैसे ही लगा हुआ है। ये देखो पूरा फैंसी स्टोर मतलब ये। तो गाइस इस मेले में बहुत ही ज़्यादा लेडीज़ कलेक्शन आया हुआ है, एक्चुअली में बोले तो वाला दुकान में कोई खरीदारी नहीं कर रहे हैं पता नहीं क्यों। ये देखो अब पूरा यहाँ पर खाली हो चुका है, और चलो लास्ट वाले इस साइड लेके चलते हैं। और ये सामने है भाई साहब जूता ये सब मिल रहा है भाई, चप्पल ये सब क्या ही बोले। ये वो लास्ट वाला गली है, बस इतना ही कुछ लगा हुआ है इस बार पिपरा मेला में, और सेकंड बार लगेगा तो देखते हैं उस समय कैसे कुछ दुकान वगैरह आते हैं वो सब आप लोगों को। 40 रुपये में सब मिल रहा है, सनग्लासेस कलेक्शन कैप वगैरह सब लगाए हुए हैं। सामने एक छोटे बच्चों का झूलने के लिए भाई, मस्त झूल रहे हैं यहाँ पर, 3 बच्चे झूल रहे हैं। ये देखो 30 रुपये लगाते हैं एक आदमी का, तो बच्चे लोग कूद रहे हैं जम जम के, मतलब मजे ले रहे हैं फुल, समझ रहे हैं फुल मजे। ये देखो और इस साइड भी और इधर भी मजे ले रहे हैं, ऐसे मजे लेना चाहिए बचपन में, बाद में इतना काम होता है कि मजे लेने ही नहीं होता है। आज डांस कर रहे हैं, फर्स्ट आएगा तुम लग रहा है, सेकंड या फर्स्ट आएगा ये बंदा, ठीक है। तो गाइस यहां पर दे दो तभी नहीं ना चाहिए आप लोग देख सकते हैं उतर रहा है एक तरह से कह सकते हो। छोटा पत्थर तो किस तरह से शरीर से उतरता है पागुन, पहला देखा होगा किस तरह चढ़ रहा था देवता शरीर। तो गाइस बही गांव पिपरा का मेला कुछ इस तरह से रहा, और इतने सारे सर्कस वगैरह सब आए थे, भीड़ वगैरह सब कैसा था आप लोगों ने देखा होगा। और देवी देवता तो लास्ट में नहीं नाचे, आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में तो सब्सक्राइब करना, मिलते हैं कोई ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।